राम मंदिर में अब नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मंदिर की ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा और भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ट्रस्ट ने फैसले को लेकर सभी राम भक्तों से इस निर्णय का सम्मान करने की अपील भी की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान अमेरिका क्यों गई थी स्वाति मालीवाल, बताइए वजह। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अमेरिका में रहने के बावजूद मैं भारत में आपके नेताओं के संपर्क में रही, मैं लगातार केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट कर रही थी और आप नेताओं से बात कर रही थी। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट के बाद से आम आदमी पार्टी यानी आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल और इस टकराहट के पीछे कई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर जीते तो हर गांव में बनवाएंगे अपना मंदिर, कर्नाटक नेता का तंज। कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगादागी ने शनिवार को कहा कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गांव में अपना मंदिर बनवाएंगे। कर्नाटक में मंत्री शिवराज तंगादागी ने शनिवार को कहा कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गांव में अपना मंदिर बनवाएंगे। पिछड़ा वर्ग विकास और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग संभालने वाले तंगादागी ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयानों से लगता है कि वे देश के हर गांव में अपना मंदिर बनवाएंगे। आप हैंस और मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुद्रा तक पर आ गए, सामाजिक संरचना पर चोट मत कीजिए, तेजस्वी यादव का पीएम को पत्र। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने संविधान और आरक्षण समेत कई मुद्दों को उठाया है। ये पत्र उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुद्रा तक की शब्दावली पर आ गए। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें और व्यूअर्स को ऊंचा रखेंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ता रही कहर, पारा 45 पार, 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, आज नौतपा का दूसरा दिन है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं नौतपा के पहले दिन प्रदेश के 21 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इस दौरान खंडवा, खरगोन और शाजापुर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, यहाँ पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। वही मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। नई दिल्ली से आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती का बीजेपी पर निशाना, पीएम से पूछा क्या यही है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर शनिवार यानी 25 मई को मतदान संपन्न हो गया। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आप ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और बीजेपी पोलिंग एजेंटों की हरकतों पर सख्त एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस बात की हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है क्या आप इसी तरह चुनाव लड़ेंगे। अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची उज्जैन, भगवान महाकाल के दर्शन में नवाई शीश देखे तस्वीरें। एक बार फिर बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन ने भगवान महाकाल का दर्शन किया। उन्होंने भगवान महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पर खुशी जताई। रवीना टंडन ने भगवान महाकाल के दरबार में नवाई शीश। भगवान महाकाल के दरबार में बॉलीवुड सितारों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उज्जैन दौरे पर शनिवार को आई अभिनेत्री रवीना टंडन ने भगवान महाकाल के दरबार में शीश नवाए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद रवीना टंडन ने खुशी भी जाहिर की। रवीना टंडन पूर्व में भी भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुंच चुकी हैं। अपनी हार सामने देख बौखला गए बीजेपी नेता, सीएम सुक्खू का विपक्ष पर निशाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार सामने देख भाजपा नेता बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। यहां सभी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। चूंकि अब चुनाव को 4 दिनों का वक्त रह गया है, ऐसे में चुनावी प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सुलह का नौरा और कांगड़ा के हलीहर कला चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की टेंशन बढ़ा सकता है अमित शाह का ये बयान, क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ऊना के अंब में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट मांगे और साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव के लिए भी जनता का सहयोग मांगा। अमित शाह ने कहा कि सभी 6 विधायक कांग्रेस छोड़
बीजेपी में आए हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इस्तीफा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास किया है। 26 करोड़ कैश, 90 करोड़ की संपत्ति, कारोबारी के घर आईटी को मिला खजाना, नोट गिनने में लगे 14 घंटे। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम ने यहां एक सराफा कारोबारी के घर में छापा मारा है। टीम द्वारा एक सराफा कारोबारी के घर से 26 करोड़ रुपए की नकदी और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारियों को सराफा कारोबारी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला कि उसे गिनने में ही 14 घंटे लग गए।